गाइस, ओ भाई हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, थैंक यू सो मच, आपने मेरे नंगल सीरीज को इतना प्यार दिया। एंड गाइस, एक सीरीज खत्म हुई तो दूसरी सीरीज की तरफ हम जा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं, ये मेरी ब्लॉग चैनल का अभी तक का सबसे महंगा ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि हम लोग बाई एयर जाने वाले हैं। एंड बाई एयर हम कहाँ जाने वाले हैं, टाइटल से आपको पता चल गया होगा, हम लोग जाने वाले हैं गोवा। भैया नहीं जा रहे, अफसोस लेकिन मैं जा रहा हूँ एंड मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, वही लोग जो मेरे साथ अमृतसर गए थे। तो गाइज, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सेकेंड टाइम में जा रहा हूँ गोवा। एंड मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम पे मैं अपने ऑफिस वाले फ्रेंड्स के साथ गया था, इस बार मैं अपने सिर्फ फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। और भैया, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, चिंतकुंज से दो फ्लाईओवर है उसके पास, मसंत कुंज के फ्लाईओवर के पास में हम लोग हैं। यहाँ से लगभग 10-15 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का रास्ता। हाँ, टर्मिनल 3 से गाइज हम लोग जा रहे हैं। 4:30 बजे की हमारी फ्लाइट है और अभी बज रहे हैं 2। लगभग 2.5 घंटे का टाइम हमारे पास में अभी भी स्पेयर है, लेकिन चलिए फटाफट चलते हैं, दिखाते हैं आपको एयरपोर्ट एंड फ्लाइट एंड गोवा। तो गाइज देख लीजिए, आज ना गाड़ी की हड़ताल है, जितने भी मतलब ओला उबर है, जितने भी टैक्सी वाले हैं, सबकी हड़ताल है। अनफेयर प्राइसेस के चक्कर में उन्होंने बिकॉज हड़ताल रखी हुई है, इसी करके हम लोग क्या कर रहे हैं, आज प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं। इसलिए भैया आए मेरे सेवियर आज प्राइवेट गाड़ी नहीं, अपनी गाड़ी से। हाँ, मतलब अपनी गाड़ी से आए हैं। गाइस, मेरे दोस्त का भी अभी फोन आया थोड़ी देर पहले, वो तो एयरपोर्ट पहुंच चुका है और हम लोग अभी बस पहुंचने वाले हैं। तो गाइस, आ चुका है एयरपोर्ट, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है भैया, चलो ठीक है, हैप्पी जर्नी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ये रहा हमारा सामान और अब चलते हैं जी इसको लेकर के अंदर। गाइस, आ चुके हैं एयरपोर्ट में, देख सकते हैं आप लोग, गेट नंबर 3 से शायद हम लोग एंटर करने वाले हैं यहाँ पे। तो फटाफट चलते हैं, अपने फ्रेंड को ढूंढता हूँ मैं कि कहाँ पर है, अंदर ना चला गया हो भाई साहब। गाइस, पता चला है कि मेरे फ्रेंड, मेरे मिस्टर दोस्त पहले अंदर जा चुके हैं। तो यस, बिना उनका वेट करे हुए हम लोग जा रहे हैं अंदर। आ चुके हैं अंदर हम लोग, काफी ज्यादा भीड़ हो रही थी बाहर, काफी ज्यादा। ये देख लीजिए एयरपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखता है गाइस, अगर आप लोगों ने नहीं देखा पहले तो। ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 3। बस बोर्डिंग पास ले लिया है, फटाफट से अब सिक्योरिटी वाले के पास जाएंगे, अपना सामान देंगे उनको। हमारे स्पेशल दोस्त मिस्टर आकाश आ चुके हैं, क्या हाल है दोस्तों, क्या हाल है भाई के? जा रहे हैं हम। हाँ, मिस्टर शिवम तो देख लीजिए अंदर पहले ही जा चुके हैं, लेकिन भाई ने वेट करा, भाई ने वेट करा मेरे लिए, मैं लेट हो गया था। ना, मैंने कहा जाएंगे तो साथ में जाएंगे भाई। आप गए हो भाई गोवा पहले? पहले गया हूँ यार, फैमिली के साथ गया हूँ गोवा। फैमिली के साथ? बट फिर कोई मजा, वो फैमिली के साथ मजा नहीं, आप देखते दोस्तों के साथ कैसा मजा ये फैमिली तो नहीं देखेगी लोग आपका? नहीं नहीं फिर ठीक है, फिर बोल दो कुछ गलत नहीं तो फिर दिखा देंगे। ये देख लीजिए गाइस, बिकॉज हमारी को विस्तारा से करना है, इस करके सिक्योरिटी चेकिंग यहीं से होगी। अभी क्या हुआ कि हम लोग ना बिजनेस वाली इसमें लाइन में लग गए थे, हमने कहा यार बंदे तो दिख नहीं रहे यहाँ पे, फिर देखा भाई साहब इकोनॉमी के आगे जा करके, इकोनॉमी के अंदर देख लीजिए इतनी लाइन लगी हुई है, कम से कम 15-20 मिनट हमें और वेट करना पड़ेगा, है ना? देखते हैं लगता है भाई साहब, जो हमारे पहले चले गए वो तो वेट ही करेंगे, हमारा और क्या करेंगे, हमारे लिए बैठे रहेंगे बस, अंदर जाके बैठे रहेंगे बस। भाई लगभग आधा पौना घंटा खड़े रहने के बाद में हम लोगों की अब जाके मिल गया, सामान ले लिया उन्होंने। ये देख लीजिए डोमेस्टिक सिक्योरिटी गेट नंबर 41 का, है ना? जोन 0 से चलते हैं जी, और यहाँ पे हमारी बेल्टें वेल्टे सब उतारेंगे। यहाँ पे फिर दिख रही है लाइन लगती हुई, ये देख लीजिए पूरी लाइन लगी है यार। ये फ्लाइट भाई मिल जाएगी ना भाई? एक घंटा रह गया भाई, फटाफट चलते हैं। गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, हर वो चीज़ जो एयरपोर्ट में आपको रोक सकती है वो पूरी कोशिश करेगी कि आप अपनी फ्लाइट ना पकड़ो। सिक्योरिटी में कितना टाइम लगा? बहुत सारी टाइम लग गया वही तो, ऊपर से बाहर एंट्री में इतना टाइम लग गया, अभी हम लोगों को चेकिंग सामान देने में इतना टाइम लग गया, पता नहीं क्या स्पीड है क्या है, लेकिन देख लेते हैं। 4:15 बज रहे, 4:20 की फ्लाइट है और हम लोग अभी तक अपने गेट तक भी नहीं पहुंचे। तो बड़ी भूख लग रही है, भूख लग रही है। हम लोग सोच रहे थे लॉन्च के मजे लेंगे, लॉन्च के हम लोगों को लॉन्च होते हुए जाना पड़ेगा अभी 41 नंबर का गेट है और यहाँ पे 27-28 नंबर है, बताओ। ये देख लीजिए गाइस, आप लोगों को राजौरी मेट्रो स्टेशन की याद आ जाएगी, ये वॉकवे देखते है कि नहीं, ब्लू लाइन से तो चेंज करते हैं हम लोग, तो थोड़ा जल्दी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोगों को ना थोड़ी जल्दी है गाइस। और देख सकते हैं बाहर आपको एरोप्लेन दिख जाएंगे यहाँ पे,
मतलब सही में एयरपोर्ट पे ही है, हम लोग बस स्टैंड में रह के आपको नहीं बना रहे। तो बंदे जो पहले के पहुंचे बड़े वो फोन कर करके उनको ये नहीं पता कि जितना वो फोन हमें करेंगे उतना हम लोग लेट हो जाएंगे उनका फोन उठाने के चक्कर में। गाइस गेट नंबर 31 आया है और हमें गेट नंबर 41 पे जाना है, 10 गेट और आगे बहुत आगे अभी। चलो क्या लगता है पहुंच पाएंगे? हाँ कमेंट करके बताएं हम लोग पहुंच पाएंगे। गाइस वही हुआ जो होना था, जिसका डर था वही हुआ, हम लोग फिर से लेट हो चुके हैं बिकॉज़ यहाँ पे गेट नंबर 36 तक ही है। सारी गलती इन दो बंदों के फोन करने के चक्कर में हो रही है। वही तो, हम लोगों को पता ही नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बस हम लोग 36 पे पहुंचे, 36 आखिरी गेट है वहाँ पे। हम सोच रहे हैं 41 नंबर क्यों नहीं आ रहा अभी तक। अब जहाँ से हम लोग आए हैं बिल्कुल पीछे जाना पड़ेगा, उसका जस्ट अपोजिट साइड में। दिखा दो 39 पे हम दिख ही नहीं रहे, हाथ तो हिलाओ। सेक्शन से दूर रहे वही अपनी, अगर कोई एयरपोर्ट में मतलब फ्लाइट कैच करने वाला हो तो उसको कम कॉल करें जितना हो सकता है। 33 से 62 दिख लीजिए, ये है हमारी राह वो नहीं थी। हम गलत राह पे चल पड़े थे। ये देख लीजिए फिलहाल तो गलत राह पे ये लोग भी चल रहे हैं। गाइस देख लीजिए 4:01 हो रहे हैं एंड फ्लाइट 4:20 की है, तो काफी मार्जिन से बचे। देख लीजिए वहाँ से हमारी एंट्री होगी अभी, फटाफट उनको बोर्डिंग पास दिखाते हैं अंदर चलते हैं। ये देख लीजिए वो देख लीजिए वो खड़े हो रखे हैं उधर और अभी गालियां सुनाने वाले हम लोगों को। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद वेट करने के लिए। वेट करने के लिए भाई, तू तो बिल्कुल फ्लाइट में चढ़ जाता, तू बैठ जाता। बिल्कुल यार वही प्लान था हमारा। जल्दी चलो यार लेट हो रही है। ये देख लीजिए गाइस जा रहे हैं हम लोग अपने प्लेन की तरफ। एयर इंडिया नहीं है लेकिन हमारा विस्तारा है, यही है ना पक्का होना तो अच्छी कोई बात नहीं। वो अभी एयर होस्टेस वापस भेज देगी हमें अगर नहीं हुआ ना तो। लेट्स सी। तो गाइस बस हम लोग प्लेन के अंदर आ रहे हैं। ये देख लीजिए आप लोगों को आवाज आ चुकी होगी, ये रहा हमारा प्लेन। इसमें इंजन दिख रहा होगा आपको राइट साइड वाला। बस अंदर चलते हैं एंड अपनी सीट को ढूंढते हैं फटाफट जाके। ये देख लीजिए गाइस दिस इज द प्लेन, तो फटाफट अंदर चलते हैं एंड लेट्स सी। क्या नंबर है शिवम? 28। चल गाइस फाइनली मिल चुके हम लोगों को हमारी सीटें। देख सकते हैं ये जैसे आप लोगों ने फ्रिज में देखा होगा उसी तरीके का ही चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये प्लेन का विंग है हमारे, विस्तारा एयरलाइंस का प्लेन है। 4:30 एग्जैक्टली ये चलेगा यहाँ से एंड बस फिर हम लोग भी चलेंगे। भाई आ गए ना टाइम पे, लेके टाइम पे तो आ गए ना। अभी भी देख ले तू 15 मिनट और है। 11 मिनट है गोवा जाने के लिए। ये पहली बार जा रहा है, कैसा है मतलब कितना एक्साइटेड है? 1 to 10 में से 8 बिकॉज पहले ही बाली होके आ चुका है। नॉट बाली, थाईलैंड। मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन ठीक है थाईलैंड ही गया गाइस। हो सकता है गाइस आपको नॉइस आए इसमें बिकॉज थोड़े बच्चे हैं। गाइस सुनो आपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये है वो कुर्सी की पेटी। ओके डन। यस डन गाइस, होपफुली आप अभी तक ये व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ जी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जी। देख लीजिए गाइस कुछ इस तरीके का बोर्डिंग पास है हमारा, 4:20 और पहुंचेंगे शाम के 7:00। एरोप्लेन होता है उसका जो फ्यूल होता है ना वो उसके विंग्स के अंदर ही स्टोर्ड होता है जहाँ पे इसका इंजन होता है। गाइस अनाउंसमेंट चल रही है अभी, पायलट कह रहे हैं कि हम गोवा की तरफ जाने वाले हैं थोड़ी देर में। बस गाइस 4:20 हो चुके हैं, अब किसी वक्त प्लेन हमारा टेक ऑफ करने वाला है। इस विमान में 8 आपातकालीन निकास है, विमान के पिछले भाग में 2 द्वार, विंग्स पर 4 और 2 द्वार विमान के आगे के भाग में है। प्लेन चल पड़ा है, देख सकते हैं वो सिग्नल दे रहे हैं। गाइस सीट देख सकते हैं आप लोग, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, चार्जिंग पोर्ट, ये ट्रे है और ये ब्रेस पोजीशन दिखा रखे हैं। अभी गाइस अचानक से नहीं चलेगा, अभी रनवे ढूंढेगा उसके बाद जाके। अचानक से झटके से स्पीड आएगी ना इंजन की, आवाज जो आएगी आप लोगों को। जिन्होंने भी गाइस GTA खेली है उनको पता होगा कि कैसे जाना है। तो पीछे देख रहे होंगे आप लोग वो ATC का टावर है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, साथ साथ में उड़ा रहा है इंडिगो। तो उसको बोलिए अपनी लेन में चले। ये देख लीजिए प्राइवेट लेन है सारे के सारे छोटे छोटे। ये आई गाइस आवाज़ अब पता चल रहा है। चली रहे नंबे में लेकिन बस अब उड़ने वाला है। ये देखिए कान में पता चल रहा है प्रेशर वर्टिगो। भाई सब कुछ सही है लेकिन ये जो हरकतें करते हैं ना पायलट, ये देखो पूरा टेढ़ा प्लेन कर रखा है इस टाइम पे।
इसमें थोड़ा सा हल्का सा लगता है, धक धक करता है। ये मैं सीधे यार अब तो आदत हो गई है यार इन सब चीज़ों की, आदत हो गई है। ये थाईलैंड वाले बोल सकते हैं ना, हम नहीं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है यार। ओ भाई बिल्कुल ही सीधा देख सकते हैं, बिल्कुल विंग बिल्कुल टेढ़ा है इसका। इस टाइम पे एक तरीके से ऐसे चला रहा है। इस कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों को पता है कि कहाँ पे कौन सी जगह में हम लोग ऑल्टीट्यूड पकड़ रहा है प्लेन धीरे धीरे। और एक टाइम ऐसे भी आएगा जब आपको सिर्फ बादल दिखेंगे, नीचे सिटीज भी दिखेंगी। ये हो सकता है कि मतलब मुंबई होते हुए जाए। पुष्पा झुकेगा नहीं और ये प्लेन मुंबई में रुकेगा नहीं, सीधा गोवा चलेगा, सीधा गोवा चलेगा। जब धीरे धीरे शहर गायब होते हुए एंड सिर्फ और सिर्फ बादल आते हुए, जब जैसे मतलब टावर थोड़े बहुत दिख रहे थे आपको, डॉट दिख रही है ऊपर से ना। स्टार्टिंग में तो मजा आएगा प्लेन के भाई, देख लीजिए कहाँ बाई रोड 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, बाई ट्रेन आपको पूरा 1 दिन लगता है, बाई प्लेन आपको सिर्फ 2.5 घंटे लग रहे हैं दिल्ली से गोवा। 2.5-2 घंटे 40 मिनट भाई। सिर्फ आपको ऑल्टीट्यूड आ चुका है, जब हमारे चेहरे चमक रहे होंगे, क्लाउड से रिफ्लेक्शन मार रही है लाइट, अब शहर बिल्कुल नहीं दिख रहे भाई, बहुत बहुत थोड़े थोड़े चिन्नक चिन्नक से भाई। जैसे सीट भाई बंद खोलने को बोल दिया है, आप जाकर क्या वॉशरूम का यूज़ कर सकते हैं। कुछ लाए हो भाई घर से? इनके भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। तू भाई मेरे को बदनाम कर दे इस ब्लॉग में भाई। देख सकते हैं कुछ पहाड़ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है नीचे, भगवान जाने हम लोग किस तरफ हैं अभी। गाइस वो कह रहे हैं कि सीट की पेटी दोबारा बांध ले, टर्बुलेंस होने के चांसेस है काफी ज्यादा। ये देख लीजिए, ओ रे भाई साहब, भाई सही कह रहे हूँ, टर्बुलेंस की आशंका है। ओ ओ ओ भाई 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 गाइस, अब उन ऊंचाइयों पे जहाँ से अब नीचे कुछ नहीं दिख रहा, अब उन ऊंचाइयों पे जहाँ पे ये कह रहा था ना, जीरो विजिबिलिटी है अभी भी। गाइस देख लीजिए टर्बुलेंस का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा रेलवे वाली फीलिंग आ रही है। हाय हाय, अब आया ना। हेलो हाय, नहीं खाते पता यार, हम लोग भी भूखे हैं लेकिन इतने भूखे भी नहीं है। गाइस देख सकते हैं अब बुढ़ा हुआ है प्लेन, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बैंक कर रहा है। गाइस अगर अगले 10 मनट के अंदर खाना नहीं आना तो मुझे भी उस बच्चे की तरह ही सीटी खानी पड़ेगी। देख रहे हो आधे से ज़्यादा हवा भरी हुई है इसके अंदर। गाइस हमारी सीट चेंज हो चुकी है, अभी यहाँ बैठा है हवा बैठो। दिस इज द फूड दैट वी विल गेट इन सम टाइम। प्लेन की सीट्स वो दिख रही थी, वो आगे से स्टार्ट होती है, तो हम लोग एकदम पीछे की सीट में बिकॉज हमने काफ़ी लेट बुकिंग कराई थी। वॉशरूम भी जस्ट हमारे पीछे ही यहाँ से। भाई जस्ट अभी हमें मिला खाना यहाँ पे, तो नॉन वेज मेन्यू हम लोगों ने चूज़ करा है इधर। ये नूडल्स है और ये सब मेरे अराउंड कुछ स्वीट डिश है, एंड आई थिंक ये डम्पलिंग है यार, चिकन डम्पलिंग्स हो सकते। ठीक है भाई सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि गर्म है अभी भी। डम्पलिंग्स आर गुड, डम्पलिंग्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नाइस ऑन एन एवरेज अच्छा था, खा सकते हो आप, काफ़ी अच्छा है। विस्तारा के लिए भाई प्लस पॉइंट यही है इनका खाना, काफ़ी अच्छा है। भाई ये देख लीजिए स्वीट डिश है एक यहाँ पे, दिस लुक सम काइंड ऑफ केक एंड कस्टर्ड, केक एंड कस्टर्ड ही है भाई, काफ़ी अच्छा है, परफेक्ट मील था। सिट डाउन, बैठ जाओ बैठ जाओ। सिट डाउन कैसे होता है? हाँ गुड बॉय। बस आप स्टैंड अप कैसे होता है? सिट डाउन बस। इसको इसको अपना बचपन याद आ गया गाइस, मेरे को नहीं आया। और शेयर से सिनिया, थैंक यू गाइस। दिस इज द 6th टाइम जब हमें टर्बुलेंस की वार्निंग मिली है, लेकिन अच्छा है हम लोगों ने खाना खा लिया है। खतरनाक टर्बुलेंस चल रही है अभी तो। गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये केबिन क्रू का सामान रहता है इस जगह पे। अभी मैं वॉशरूम के जैसे कुछ वैसे तो सिगरेट एंड तंबाकू बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई लेके यहाँ पे आ गया, तब जाकर के भी नो सिगरेट डिस्पोजेबल की यहाँ पे आपको जगह जगह पे वार्निंग्स दिख जाएंगी, देख सकते हैं आप लोग, ताकि कोई ले आया तो यहाँ ना फेंके। भाई लगभग 20-25 मिनट्स रह गए हैं ना, ऑल्टीट्यूड लो होता जा रहा है, फिर से कान में पटाखे बज रहे हैं, प्रेशर आ रहा है गाइस। सीरियसली रोलर कोस्टर वाली फीलिंग आ रही है, इतना टर्बुलेंस है इस टाइम पे। ये देख लो, आप देख सकते हैं प्लेन का विंग जो है वो नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग डिसेंट कर रहे हैं असेंट करने की जगह। गाइस आ चुका है गोवा,
देख सकते हैं आप लोग नीचे गाइस, पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, खेत खलियान दिख रहे हैं, लेकिन गाइस पूरा बारिश वाला माहौल हो रखा है बाहर, तो देख सकते हैं आप लोग, जूम करके भी नहीं दिखा पा रहा हूं बाहर आपको। रनवे जो है गीला हो रखा है इस टाइम पे, आप लोग तो देख ही नहीं सकते हैं। गाइस दिस इज द प्लेस वी हैव कीप आवर लगेज। गाइस प्लेन खाली हो रहा है एंड हम लोग पीछे ये गेट की तरफ से निकल रहे हैं अभी, और बस आ चुके हैं गोवा, लैंड कर चुके हैं। ये देख लीजिए गाइस, एकदम वीआईपी तरीके से उतार रहे हैं नीचे। दिस इज द प्लेन एक्चुअली जिससे हम लोग आए हैं, एंड हम लोगों को बस से जाना पड़ेगा अभी। तो ये तो इंडिगो वाली बात हुई यार, इसके साथ में भी इंडिगो वाली बात हुई तो। इस बस के अंदर हम लोग जा रहे हैं अभी, एंड देख सकते हैं आप लोग वैसी ही बसें जैसी अपनी होती है। गाइस आ चुके हैं हमारे फेलो पैसेंजर्स। कैसा रहा भाई फ्लाइट आपकी? यार टर्बुलेंस देखा कितना था, बीच में आया था थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ यार, हम लोग वी आई पी है क्या, मतलब चार लोगों के लिए बस चला दी इन्होंने, बाकी लोग तो टूस के जा रहे थे वहाँ पे। आपकी फ्लाइट कैसी रही? सो क्यों? अरे आपको फीवर हो गया? फूड वॉज नाइस। लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट है, वहीं जाना है हम लोगों को। सो सी डोमेस्टिक अराइवल्स। आते के साथ ही गाइज आपको सबसे गोवा वाली चीज दिख जाएगी यहाँ पे, कैसीनो का एड है आते के साथ ही। आप बताओ दिल्ली के अंदर या किसी के अंदर भी आपको कहाँ दिखेगा कैसीनो का एड? इट हैपेंस ओनली इन गोवा। बैग आ रहे हैं यहाँ से, लेट्स सी हम लोग कितना वेट करते हैं यहाँ पे। क्या कर रहा है ये वाला एयरपोर्ट? कंपैरेटिवली अच्छा है दिखने में, डायबोलिम एयरपोर्ट से ज़्यादा मोपा एयरपोर्ट है। चलते हैं जी, और ये गोवा की हवा, ओहो क्या बात है। टेम्परेचर गाइस लगभग दिल्ली जैसा ही है यहाँ पे। देख लीजिए गाइस यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है इधर बाहर, आप बिलीव नहीं करोगे 24 किलोमीटर के हमसे 1400 रुपये मांगे हैं इन्होंने, और उसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है क्योंकि टैक्सी वाले जाने को तैयार ही नहीं है उस जगह पे, क्योंकि वही कह रहे हैं कि या तो दो गाड़ी करो तुम लोग। अब एक को हमने मनाया कि भाई एक ही गाड़ी के अंदर एडजस्ट कर लो, तो उसने मतलब मौके का फ़ायदा उठाया। वही है गाइस बहुत महंगा है बाहर, आप लोग आए तो भैया जेब में पैसे लेके आना खूब सारा। ये रही गाइस और इसकी डिक्की में आप सामान फेंकेंगे हम अपना। ट्रिबुलेंस आता हुआ, मज़ेदार हवा अच्छी चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कूल, दिस इज नेचुरल एयर। एसी बंद करवा के हमने खिड़की खुलवाई है स्पेशली। बस गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे एयरबीएनबी, जेडी एनक्लेव नाम है ना, जेडी एनक्लेव में पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग बहुत ही शानदार बना हुआ है गाइस, देख सकते हैं रूम कुछ इस तरीके से हमारा, ये पूरी लाइटिंग एंड ये एक सोफा कम बेड है यहाँ पे, और ये टीवी है बढ़िया एंड्रॉयड टीवी। ये होटल नहीं है, एयरबीएनबी है, तो इसमें आपको किचन जरूर मिलता है, खुद से खाना बना के पका सकते हो। एंड ये देख लीजिए ये बेडरूम, ये डेकोरेशन वाले टॉवल्स। बस गाइस पहुंच चुके हैं गोवा फाइनली, और अब जाके आराम मिला है। बस गाइस इसी के साथ में इस व्लॉग को एंड करते हैं, होपफुली आपका आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीक होपफुली, तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।